किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके एबीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं, एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं विपक्ष की तरह देखते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम सत्ता को याद करा रहे हैं। हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल हर हर से परेशान है। इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, उतना ये लंबी लड़ाई है, बिना रुके, बिना झुके, बिना सांस लिए इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। और इस कैंपस के अंदर जो देश को विभाजित करने वाली ताकत हो, चाहे एबीवीपी के लोग हो, चाहे इस कैंपस के बाहर आरएसएस और भाजपा के लोग हो, जो इस देश को बर्बादी के कगार पर लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर खड़ा होंगे। जेएनयू खड़ा होगा, इतिहास